दूसरे नंबर पे पहले सवाल। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। बजा तो। अब ये कैसी शर्त है? आपकी गारंटी कौन ले सकता है? आपको तो कभी भी दौरा पड़ सकता है। कल को आप ये कहेंगे, अनिका तुम सांस लेती हो तो मुझे इरिटेट होता है, तो क्या मैं सांस लेना बंद कर दूंगी? देखिए, अरे मिलने दो उस लड्डू और उस पट्टू को मुझे, बड़ा कवर शवर पे पोस्ट शोज करता है। अरे सचिन तेंदुलकर की कसम, चांदनी चौक के चौराहे पर उल्टा नहीं लटका दिया तो मैं भी अपनी बाबूजी की बेटी नहीं हूँ। अंजलि, अरे छोड़ो बाबूजी, तुसी ही नहीं जानते, पैसे के अमीर दिल के गरीब। अंदर चलो। क्यों, मसला क्या है? शरीफ लड़कियां क्या ऐसे मुंह उठाए जब चाहे चल पड़ती हैं घर से? अंदर चलो। ये थान का थान तो लपेटा है, अभी भी शरीफ नहीं लग रही। मैं कह रही हूँ अंदर। ऐसे क्या घूर रही हो? पता नहीं है छह भाइयों का इकलौता बहन हूँ। नैना जी, आज ते बड़ी सोनी लग रही हो। कोई सोनी नहीं लग रही हो, जा मड़ा। अल्लाह, मैं इतनी प्यारी क्यों हूँ? तस्वीर क्या, मैं तो खुद ही फेसबुक पे अपलोड हो जाऊँ। हाय। हाय। कोई बॉयफ्रेंड है आपका? मैं सिंगल हूँ। मर्जी से सिंगल हो या कोई मुंह नहीं लगाता? मरने से मैं कभी डरता। इसके ऊपर जरा नजर रख, जब से बिल्लो बांदरी आई है ऐसा चौड़ा होके पूरे घर में फिर रहा है। मम्मा खुदा का खौफ कर, लव मैरिज की उन्होंने आपसे, हमें शक करती रहती उन पे। हाय हाय, लव मैरिज की है तो क्या होता है, मर्दों की मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं होता। सुबह शकीला, दोपहर फजीला, रात पहले मरीज को पता लग जाता है कि वो ठीक हो गया कि नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? मैडम आप समझने की कोशिश। अरे अरे, जब से डॉक्टर आ गया तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। तेवर के तेवर नहीं बदल गए हैं क्या? इलाज इनका हो रहा है या तुम्हारा? अरे इनके साथ रह रहकर आप भी। I love you. Huh? I love you too. But, two? करके दिखाओ जरा दो को प्यार। अरे तुमको इतना सा इंग्लिश भी नहीं आता, तुम्हें को तो कह रहे हैं। ओए सुना। हाँ बोल। कितनी सुंदर हो यार तुम। अरे यार झूठ बोलना बंद करो। ओहो, समझदार भी हो। Actually, पहली बार हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, उस वक्त मैं जानती नहीं थी कि वो संजय सिंह हनिया है। पूरे वक्त एयरपोर्ट की लॉबी में उल्लू की तरह घूर रहा था मुझे। बाद में फ्लाइट में भी मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। हाय, आई एम संजय सिंह हानिया। मैंने भी बोला हाय। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये संजय सिंह हानिया है। दिल्ली से बम्बई पूरे रास्ते उसका एफएम रेडियो ऑन था। कचर 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 कचर, और मैं भी सुनती रही। फिर एकदम से बोला आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? मैंने बोला बच्चू, शादी ब्याह की बातें हवा में थोड़ी तय की जाती है। मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज। मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज। मैंने बोला ओके। अब कोई एक टांग पे खड़ा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? देखो, क्या तुम 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ सकती हो? मैंने तो क्या सोचा था, आपने क्या बोल दिया? क्या है कि जब से मैं इस घर में आया हूँ 10 मिनट की शांति के लिए तरस। मैं तो कब से सलाह। तुम्हें उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए, टिकट लगनी चाहिए तुम्हें देखने के लिए। आए हाय, क्या बात है। और तुम्हें क्या रखना चाहिए? ट्रेन में हो मगर पता नहीं ट्रेन कहाँ जाती है, अनजान किसी स्टेशन पे उतर जाते हो, फिर पागलों की तरह गाड़ी चलाकर ऑलमोस्ट मेरी जान लेकर यहाँ पहुँचते हो, और यहाँ क्या, अंधेरे रास्ते पर चले जा रहे हो अकेले रतलाम की गलियों में। यार तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या आखिर, बताई दो आप। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम अपने प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करते, राइट? बच्चन के फैन हो क्या, एंग्री यंग मैन? आज खुश तो बहुत हो गए तुम, है अग्निपथ अग्निपथ, बताओ ना। अच्छा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, बोलो ना, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है यार। साला का मतलब क्या होता है? क्या होता है? साला का मतलब होता है बीवी का भाई, बीवी का भाई मतलब घर का सदस्य, मतलब आप हमारे घर के सदस्य हुए, हम आपसे प्यार करते हैं और आप समझे कि हम आपको गाली दे। कितना गलत समझ रहे।